हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, कि कोलॉइड का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं हम, डायलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोडायलिसिस के थ्रू एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कोलॉइड्स की, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। वैसे कोलॉइड सोल्यूशन होते हैं हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है, और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है क्वाइट स्टेबल होते हैं, फिक्स स्टेबल नहीं होते। और इनके अलावा हम और प्रॉपर्टीज़ उनकी पढ़ेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इनके बारे में। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को हम इन कंपेयर में पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, उसके बारे में है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अगर कोलाइडल सोल्यूशन में से आप कोई लाइट पास करते हैं तो आपको उसका पाथ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं इन कंपेरिजन टू ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल बड़े होते हैं, तो वो उस लाइट को, जो भी लाइट का पाथ होता है उसको क्या करते हैं, वो उसे स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं उस लाइट को। तो द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, वो पाथ दिखने लग जाता है क्योंकि वो स्कैटर्ड हो जाता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे आप इन डायग्राम में देख रहे होंगे, नीचे सोर्स ऑफ लाइट है, लेंस के थ्रू उसमें एक ट्रू सोल्यूशन है, पहले ट्रू सोल्यूशन रखा गया है। कोई भी आप आयनिक सोल्यूशन लीजिए, सॉल्ट को वाटर में डालें, दिस इज़ द ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में से अगर आप कोई लाइट पास कराते हैं तो उसमें आपको कोई लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, बीम ऑफ लाइट नहीं दिखेगी, लिखा भी है लाइट बीम इज़ नॉट विजिबल। बट इसी सोर्स ऑफ लाइट को अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन में पास कराते हैं तो लाइट बीम विजिबल बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग की वजह से लाइट बीम हमें कोलाइडल सोल्यूशन में विजिबल होता है। इसी के आगे हैं, ये आपको दिख रहा होगा सोर्स ऑफ लाइट, इसको और डीप में बताया गया है। कोलाइडल सोल्यूशन में जब बीम ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ लाइट डाला जाता है तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं इसको स्कैटर कर देते हैं हर डायरेक्शन में। इन ऑल ये एरो एरो जो आपको दिख रहे हैं ये हर डायरेक्शन में है, और ये कोन पर, किसी एक पॉइंटेड कोन पर शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टिंडल कोन। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जिस कोन पर, जिस पॉइंट पर एक पिंच करेंगे ये, जहाँ से स्कैटरिंग होगी स्टार्ट, दिस इज़ कॉल्ड द टिंडल कोन। वहाँ से कोन बनाते हैं, इसी को टिंडल कोन बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट कन्फर्म्स द, टिंडल इफेक्ट हमें ये भी बताता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है दिस इज़ द हेट्रोजीनियस इन नेचर। अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क, आपने देखा होगा अगर एक अंधेरे से कमरे में एक छोटे से छेद से अगर सनलाइट आ रही होती है, सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट, ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोट और एक और चीज़ नोटिस की होगी, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है सिनेमा हॉल में, और एक प्रोजेक्शन के थ्रू पिक्चर आपको सामने पर्दे पर दिखाई जाती है, तो किसकी वजह से आपको दिखती है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो कि बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, बीच में से जो डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल है, दिस इज़ द कोलाइडल सोल्यूशन, एक कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। और जो आपकी सनलाइट है, तो ये भी एक टिंडल इफेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सेकेंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन में। ब्राउनियन मोशन अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसे हम जिगजैग मोशन भी कहते हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल ही शो ऑफ करते हैं। द मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज, ये किसका मोशन है, डिस्पर्स फेज का, नॉट फॉर डिस्पर्जन मीडियम। द मोशन ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज है क्या, कोलाइडल पार्टिकल है डिस्पर्स फेज, उनकी जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन इन ओवर अ लार्ज एरिया, दिस इज़ कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। अब क्यों करते हैं, व्हेन अ कोलाइडल सोल्यूशन आर ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, में देखा गया कि कोलाइडल जो पार्टिकल हैं अंडर वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ लार्ज एरिया, इट डिपेंड्स ऑन, और जो ये इनका मोशन है ब्राउनियन मोशन, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ पे। अगर पार्टिकल साइज़ छोटा है तो वो मोशन ज़्यादा करेगा, अगर पार्टिकल साइज़ बड़ा है तो मोशन कम कर पाएगा, मूवमेंट कम हो पाएगा। और इसी ये इस पर विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है। विस्कोसिटी का मतलब रेजिस्टिविटी टू फ्लो, फ्लो को कितनी रुकने की उसमें क्षमता है या पावर है, तो जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ब्राउनियन मोशन कम होगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी इट मींस ब्राउनियन मोशन उसमें ज़्यादा होगा। इसका कॉज क्या है, क्यों होता है ब्राउनियन मोशन, वो डिस्पर्जन मीडियम की वजह से होता है, उसे हम देखते हैं। कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन,
ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन, इट इज़ ड्यू टू द अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम. आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें डिस्पर्स फेज भी है और डिस्पर्जन मीडियम भी है. जो डिस्पर्स फेज है दिस इज द कोलाइडल पार्टिकल, बट वो किस में डिस्पर्स है, डिस्पर्जन मीडियम में. तो डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अनबैलेंस बम्बार्डमेंट, एक दूसरे से टकराते हैं. तो टकराने से क्या होता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है. वो काइनेटिक एनर्जी वो किसको दे देते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल को, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूवमेंट करने लग जाते हैं जिगजैग मोशन में इधर से उधर. द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विद द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज. जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ, दस कॉजिंग, यही जो कोलाइडिंग है ये इधर उधर मोशन, डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टकराने की वजह से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड द जिगजैग मोशन ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल. थर्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स में मैंने आपको बताया था उनके अंदर एग्रीगेशन की पावर होती है, मतलब एक दूसरे से जुड़ने की एक पावर होती है. जैसे मैंने ट्रू सॉल्यूशन के केस में बताया था, ट्रू सॉल्यूशन क्या करते हैं, वो आपस में कंडेंस्ड हो जाते हैं, मतलब जुड़ के एक कोलाइड सॉल्यूशन भी बना सकते हैं. तो कोलाइड, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की भी हो गई कि उनमें क्या होता है, एक एग्रीगेट होने की पावर होती है. एग्रीगेट होने की पावर की वजह से हायर मॉलिक्यूलर मास होता है. तो एक हायर मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से अगर हम सॉल्यूशन ले रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन का, अगर हमने एक लीटर सॉल्यूशन लिया और उतना ही हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का एक लीटर सॉल्यूशन लिया, तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल किस में ज़्यादा होंगे, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और कोलाइडल पार्टिकल के मॉलिक्यूल ट्रू सॉल्यूशन की कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो एक लीटर सॉल्यूशन में होंगे वो कम होंगे. तो वही लिखा है, द कोलाइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट हैव वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेस सो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है एग्रीगेट होने की वजह से, एक एसोसिएट होने की वजह से, सो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल पर लीटर ऑफ द सोल, अगर सोल का हम एक लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल रिज्यूम कर रहे हैं, इज़ वेरी स्मॉल देन इना, कम होंगे किसके कंपैरिजन में, देन इना ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं. देयरफॉर दे हैव वेरी लार्ज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें एक अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन की पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जब वो बन रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है उनकी स्टेबिलिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी उसी पर बेस्ड है. द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं पजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज पजेस करते हैं, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो चार्ज है, जो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से चार्ज आता है, वो आता क्यों है, ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे वो चार्ज ही तो उसमें फॉर्म कर रहा था, पजेस कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे उसके चारों ओर. वो क्या कर रहे थे, अगर वो पॉजिटिव कभी कई बार नेगेटिव चारों ओर आयंस लग जा रहे थे जिससे वो स्टेबल हो जा रहा था हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन. अब ये चार्ज आता कैसे है, क्यों आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द ओरिजिन ऑफ चार्ज, द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स फेज एब्जॉर्ब ओनली दोज आयन प्रेफरेंशली विच आर कॉमन विद देयर ओन लैटिस आयन. इसको आप ध्यान से देखिएगा, द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग कोलाइडिंग पार्टिकल, ठीक है, जो कोलाइडल सोल है हमारा, जो कोलाइडल पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिस्पर्स फेज एड्सॉर्ब, उस पर केवल वही आयन्स एड्सॉर्ब हो पाएंगे प्रिफ्रेंशली, किसको प्रेफर करेंगे, विच आर कॉमन, जिसमें कॉमन आयन हो, कॉमन विद द देयर ओन लैटिस आयन, जो उसमें कॉमन हो, जो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल में जो आयन है और जो उस पर एड्सॉर्ब होने आया है उसको वो प्रेफर करेंगे जो उसमें कॉमन होगा. जैसे आप नीचे देख रहे हैं एग्जाम्पल में, AgNO3 इज़ एडेड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaI. अगर AgNO3 हम ऐड कर रहे हैं किसके, NaI के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो AgNO3 प्लस NaI, आपको पता है Ag ये आयन ही रिएक्शन है, तो Ag और I रिएक्ट करके सोल बना लेंगे.
अब इसमें AGI का जब सोल बन जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ आयन तो उसको चारों ओर से घेरेंगे ना। अब वो कौन से आयन घेरेंगे, यहाँ पे तो आपको NO3, अब AGI नेगेटिव भी है, NO3 नेगेटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है, कौन से वाले घेरेंगे। और NaI यहाँ पे एक्सिस में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि NaI जो हमने लिया है ये एक्सिस में है ज़्यादा अमाउंट में, और AgNO3 लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, NaI अनलिमिटेड अमाउंट में और AgNO3 लिमिटेड अमाउंट में है। तो जब हमारा सोल बन जाएगा AGI तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई चार्ज तो उसको चारों ओर से घेरेगा, नहीं तो AGI तो बहुत सारे हो जाएंगे सॉल्यूशन में और आपस में जुड़ के वो फिर से हमारा कोलाइडर सॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाएगा। तो AGI को कौन सा है, पहले वो कंडीशन उन्होंने लिखी थी कि प्रिफ्रेंशली विच आर वो एड्जॉर्ब होंगे, AGI के जो सोल है उसकी सरफेस पर वो आयन एड्जॉर्ब होंगे जो कॉमन होंगे उसके लेट से। देखिए AGI में कॉमन क्या है, हमें से AG तो यहाँ पर है नहीं, NaI में से देखिए AG तो है नहीं, कौन सा कॉमन है, I, तो I नेगेटिव वाले आयन उसको चारों ओर से घेर लेंगे। तो सोल को जो नेगेटिव आयन ने चारों ओर से घेरा है इसीलिए ये जो सोल है जो बनता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सोल, क्योंकि उसने चारों ओर से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से घिरा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव सोल। जैसा आपको दिख रहा होगा ये डायग्रामेटिकली बताया है, जो भी पहले बात बताइए AgNO3 प्लस NaI हमने एक्सिस में लिया, मैंने आपको पीछे भी बताया। तो होता क्या है रियल में, एक जो भी बीकर में हम रिएक्शन कराते हैं AgNO3 हमने NaI दोनों डाल दिए हैं, उसमें एक्सिस में NaI डाला है और AgNO3 की लिमिटेड अमाउंट है, NaI हम एक्सिस में डालते हैं, तो AgI का सोल बनता है। AgI का जब सोल बन गया तो उसमें कौन से आयन उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे, कौन से होंगे, प्रिफ्रेंशली जो उनके लैटिस के आयन के कॉमन हो। तो आपने देखा कि NaI जो है, ठीक है, इसमें Na एक्सिस में और I एक्सिस में है और NO3 भी एक्सिस में है, तो कॉमन क्या है, NO3 है और I है और Na है, तो AGI का तो सोल है, ठीक है, तो कॉमन क्या है, AGI में I है और हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, I है, एक्सिस में I है, NO3 नहीं है एक्सिस में, तो इसलिए एड्जॉर्ब जो होगा I नेगेटिव होगा, नॉट NO3, क्योंकि एक्सिस में नहीं है और कॉमन भी नहीं है। ठीक है, तो I नेगेटिव की जो लेयर होती है उसको चारों ओर से घेर लेती है, तो इसे ये फिक्स्ड लेयर बना देते हैं सोल के चारों ओर, दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव सोल। इसीलिए ये डिस्पर्स फेस का जो बनाते हैं ये इसको नेगेटिव सोल बोलते हैं। और अब नेगेटिव सोल ने उसको चारों ओर से घेर लिया है तो कुछ चार्ज अट्रैक्शन भी तो होगा चारों ओर से, चारों जब नेगेटिवली चार्ज ने घेरा है तो चारों ओर से उसको क्या करेगा, चार्ज अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव कनेक्ट होता है पॉजिटिव वाले से। तो जो आयन हमारे सॉल्यूशन में, हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो है न्यूट्रल, तो Na वाले आयन भी तो थे Na पॉजिटिव, वो भी उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, इसलिए दो लेयर बना देते हैं। बट जो हमारी फिक्स्ड लेयर होती है वो नेगेटिव वाली आ रही है, नेगेटिव वाली है, तो इसलिए हम नेगेटिव सोल इसको बोलते हैं। और जो बाहर जो Na पॉजिटिव वाली जो पार्शियली वाली मूवेबल लेयर्स होती है ये बनती रहती है, हटती रहती है, मूव करती रहती है, और जो हमारा NO3 नेगेटिव है डिस्पर्जन मीडियम में रहता है, और जो पूरा सोल्यूशन है हमारा वैसे न्यूट्रल रहता है। द पार्टिकल ऑफ, नीचे लिखा है द पार्टिकल ऑफ AGI कैरी नेगेटिव चार्ज, जो AGI का जो हमारा सोल है वो क्या कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द, क्यों कर रहा है, ड्यू टू द प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रिफर कर रहा है किसके एड्सॉर्प्शन को, I नेगेटिव आयन को, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन है ऑन द सरफेस, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव सोल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पॉजिटिव सोल की बात करते हैं। पॉजिटिव सोल क्या होता है, सेम वही रिएक्शन ले रहे हैं, बस एक्सिस में हम अमाउंट चेंज कर रहे हैं, NaI ही लिया है प्लस AgNO3, बट इस बार AgNO3 हमने एक्सिस में ले लिया है। ठीक है, सेम वही सोल बनेगा AGI का, लेकिन यहाँ पर इस बार कॉमन आयन क्या होगा, आई भी, अब आप देख रहे होंगे AGI है आई, आई इस बार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उसके चारों ओर घिरेगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सिस में जो है हमारे पास AG है, AG आयन भी तो कॉमन है, कॉमन आयन हमारे पास क्या है, AG भी है, तो ये पॉजिटिव चारों ओर से इसको घेर लेता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव सोल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कॉमन भी हो और एक्सिस में भी हो। तो आपने रिएक्शन देखी है, NaI प्लस AgNO3 इन एक्सिस गिव्स द, बीकर में आप देख रहे हैं AGI का सोल बना, AGI का सोल ने AG पॉजिटिव वाले आयन ने AGI को पूरी चारों तरीके से घेर लिया है, वो क्यों, क्योंकि ताकि सोल की स्टेबिलिटी बनी रहे। ये आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रोलाइट हम डालते क्यों हैं, ड्यू स्टेबिलिटी के लिए, कि आयन की स्टेबिलिटी बनी रहे।
अब यहाँ पर ए जी पॉजिटिव वालों ने क्यों घेरा, क्योंकि ए जी यहाँ पर हमारे पास आई नेगेटिव वाला क्यों नहीं घेरा। आप सोच रहे होंगे आई नेगेटिव वाले ने क्यों नहीं इसको घेरा, क्योंकि वो भी तो घेर सकता है, वो भी तो कॉमन है। बट यहाँ पे कॉमन तो है, दो हैं कॉमन, ए जी भी है आई भी है, लेकिन यहाँ पे ए जी हमारे पास एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में। आई तो लिमिटेड था ना, आई जितना आई था उसने सब सोल बना लिया ए जी के साथ, लेकिन कुछ ए जी हमारा बच गया, ए जी आयन जो है वो बच गए हैं, वो उसके चारों ओर घेर लेंगे क्योंकि काम कॉमन है। और ए जी नेगेटिव, ए जी पॉजिटिव वाले ने एक फिक्स्ड लेयर बना ली है सोल के चारों ओर, दिस इज़ द पॉजिटिव सोल, इसीलिए इसको पॉजिटिव सोल बोलते हैं। अब पॉजिटिव लेयर है चारों ओर, तो कुछ नेगेटिव भी तो अट्रैक्ट होगा, चार्ज अट्रैक्शन होगा, तो नेगेटिव वाला पार्शियली मूवेबल लेयर्स होती हैं, ये फिक्स्ड नहीं होती, जबकि ए जी पॉजिटिव वाली वो फिक्स होंगी, और NO3 नेगेटिव वाली वो पार्शियली होंगी। और वैसे हमारा पूरा सॉल्यूशन जो Na पॉजिटिव आयंस होंगे वो डिस्पर्ज मीडियम में रहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में NO3 के भी रहेंगे, इसीलिए ये पूरा जो सॉल्यूशन है कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। नीचे लिखा है द पार्टिकल ऑफ ए जी आई कैरी, इसमें जो ए जी आई है वो क्या कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ ए जी आयन। ठीक है, बट किसका प्रेफरेंस कर रहा है वो ए जी आयन के एड्सॉर्प्शन का ऑन दियर सर्फेस, अपनी सर्फेस पर, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोलाइड और पॉजिटिव सोल, इसको हम पॉजिटिव सोल बोलते हैं। यहाँ पे इसको और डीप में, ये डबल लेयर है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसको डीप में बता रही हूँ कि बीकर है, सेम वही चीज़ है, कोलाइडल है, कोलाइडल पार्टिकल है यानी ए जी आई का। ठीक है, मैं पॉजिटिव वाले सोल की बात कर रही हूँ यहाँ पे फिलहाल, तो पॉजिटिव वाला अपने माइंड में लेके चलना, नेगेटिव की केस में भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं केवल आपको पॉजिटिव को लेके समझा रही हूँ। कोलाइडल पार्टिकल हमारा ए जी आई, और ए जी पॉजिटिव आयन उसको चारों ओर से घेर लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ताकि बनी रहे, क्योंकि कॉमन आयन वहाँ पर हमारा ए जी जो हमारा था वो एक्सिस में था, इसलिए पॉजिटिव वाले ने उसको चारों ओर से घेर लिया। अब पार्शियली अट्रैक्टेड रहेगा नेगेटिव चार्ज, जो कि NO3 नेगेटिव वाला था उसको घेरेगा, और हमारे सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। मेन बात हमारी बताने की मेरी यहाँ पर ये थी कि जो इसकी फिक्स्ड लेयर है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये सोल कैसा हो गया, पॉजिटिव सोल, पहली बात। सेकेंडली कि ये फिक्स्ड लेयर है, कोलाइडल पार्टिकल ए जी आई के चारों ओर एक फिक्स्ड लेयर है। क्यों है फिक्स्ड लेयर, क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और उसके चारों ओर एक बाहर नेगेटिव लेयर आपको दिख रही है, दिस इज द मूवेबल लेयर, स्लिपरी लेयर, फिसलती रहती है, मतलब मूव करती रहती है, डिफ्यूजेबल लेयर है, एंड आयंस लूजली अट्रैक्टेड। अब डिफ्यूजेबल है, मूवेबल है, स्लिपरी है, इट मीन्स आयंस कैसे हैं, लूजली अटैक्ड हैं, अटैच्ड हैं। तो इनके बीच में दो लेयर, इसको हम हेल्महोल्ट्ज़ ने, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि डबल लेयर होती है इन कोलाइडल पार्टिकल की चारों ओर, तो इन्होंने बताया, तो इसको डबल लेयर थ्योरी के भी बोलते हैं। इन दोनों लेयर के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव सोल की बात करें तो ये जो इसके चारों ओर है लेयर है वो फिक्स्ड लेयर पॉजिटिव है यहाँ पे, और डिफ्यूज़ लेयर जो यहाँ पर है वो नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपेसिटर, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर भी मेंटेन होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो दो लेयर हैं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। एक न्यू टर्म आई है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज़ लेयर इज़ कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूजन लेयर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है, हम लेते हैं एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव सोल के, आपके बहुत से साल से बोर्ड एग्जाम में आ भी रहे हैं इसमें से क्वेश्चन। आपको ये टेबल दिख रही होगी, सम कॉमन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कुछ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिनके नाम से आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव वाले सोल्स हैं और ये नेगेटिव वाले सोल्स हैं। पहला है पॉजिटिवली चार्ज सोल्स की बात कर लेते हैं हम, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बट हाइड्रेटेड, उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल है Al2O3, XH2O और कॉमा Cr2O3 XH2, Fe2O3 XH2 एटसेट्रा। ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पॉजिटिव वाला सोल बताया था कि AGI जो सोल था चारों ओर कौन घेर रहा था उसको, AG+, ये इस टाइप के सोल हैं।
तो मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH होल थ्राइस, ALOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, COH होल थ्राइस, MgOH होल ट्वाइस, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। तो हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होंगे, और बेसिक डाई स्टफ्स जैसे बेसिक डाई आपकी कौन कौन सी होती है, मिथाइलिन ब्लू, प्रशियन ब्लू, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं। लास्ट ईयर एक एग्जाम आया था क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन या ब्लड कैसा सोल है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना था, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। हीमोग्लोबिन या ब्लड जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज सोलाइड सोल्स है या पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है। कोलॉइड और सोल बात एक है। ऑक्साइड्स जो हैं TiO2 यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ऑक्साइड्स भी हमारे पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज सोल्स, तो नेगेटिवली चार्ज जितने भी मेटल पार्टिकल हैं, प्योर मेटल जो कोलॉइड्स होते हैं, केवल मेटल के कोलॉइड्स हैं जितने भी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सोल, इसमें प्योरली मेटल के सोल की बात कर रहे हैं, तो वो सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। सेकेंड मेटल सल्फाइड, और मेटल के सल्फाइड्स भी क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। As2S3 मैंने एग्जांपल लिया अभी था, CdS कैडमियम सल्फाइड, Sb2S3, ये भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल। वहाँ पर हमने बेसिक डाई को बोला था पॉजिटिवली चार्ज सोल, और यहाँ पर जो एसिटिक डाई होंगी लाइक ईओसिन, कॉन्गो रेड, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं। सोल्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च का सोल गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये क्या है, सब नेगेटिवली चार्ज सोल हैं। आप इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिव चार्ज सोल के कुछ एग्जांपल बताइए। आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।